मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने एक 3 स्टार होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। अंधेरी में 3 स्टार इंपीरियल पैलेस होटल में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें देह व्यापार में लाई गई 3 लड़कियों को मुक्त कराया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी नावेद शरीफ अख्तर अहमद 26 साल और कास्टिंग डायरेक्टर नावीद सादिक सैयद 22 साल को इंपीरियल होटल में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोडक्शन मैनेजर बताकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। फिल्मों में काम दिलाने के बहाने लड़कियां इनके झांसे में आ जाती थीं, तब इनका ये शोषण किया करते थे। पकड़ी गई लड़कियों में से 2 लड़कियां तुर्किस्तान की रहने वाली हैं, जो पुणे के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं 3री लड़की मुंबई के रहने वाली है। तीनों लड़कियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई है और कागजी कार्रवाई करने के बाद तीनों लड़कियों को महिला सुधार गृह भेज दिया जाएगा। अंधेरी के 3 स्टार इंपीरियल होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस और सामाजिक संस्था ने किया है। पकड़े गए आरोपियों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। टिप मिली थी जिसके ऊपर ट्रैप लगाया गया था एसएस ब्रांच के सीनियर पीआई संदेश वाले सर के थ्रू। आज हमें पता चला था कि नाविद करके कास्टिंग एजेंसी चला रहे हैं, क्रिएटिव कास्टिंग एजेंसी के नाम पे अंधेरी वेस्ट में, और वो रशियन जो लड़कियां रशिया से, तुर्किस्तान से, और प्लस मेक्सिको से और से आ रही हैं, उनको देह व्यापार के धंधे में ढकेला जा रहा है बॉलीवुड के माध्यम से। छोटे मोटे रोल दिला के, छोटी मोटी एड एजेंसी के थ्रू उनको काम दिला के, और उनको ये सब रैकेट में डाला जा रहा है। नाविद के साथ में एक और जावेद करके हैं, जो कि उसी के कास्टिंग एजेंसी में मैनेजर का काम करते हैं। जो 2 लड़कियां हैं वो तुर्किस्तान से हैं, जो कि पूना की सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, फर्ग्यूसन कॉलेज में MBA परसुइंग कर रही है, जो 2nd ईयर में है सिर्फ, और 22-23 साल की दोनों लड़कियाँ हैं। उनको पहले एडवर्टाइजमेंट में काम दिया हुआ है नाविद के थ्रू ही, और प्लस 1-2 मूवी में एज अ बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया है उन्होंने, और आज उनको यहाँ पे सेक्स के लिए लाया गया था, जिनके लिए उनको 1-1 लाख रुपए की डिमांड के हिसाब से पेमेंट दिया। आजकल जैसे बॉलीवुड में देखा जा रहा है कि छोटे मोटे रोल्स के लिए और हॉटशॉट, उल्लू ऐप, इन सब के ऊपर काफ़ी सारे नूड प्रोग्राम्स और वगैरह चलाए जा रहे हैं, जो ताकि और इस इंडस्ट्री को हाईलाइट कर सकें। तो उसके माध्यम से ये पिंप लोग क्या करते हैं ना, उनको और लालच देते हैं कि जहाँ आपको 50-60 हज़ार मिल रहा है, वहाँ पे आप अगर 1 रात किसी के साथ गुजार लें तो आपको 2-3 लाख रुपए मिल सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।